अबे भाई एप्पल का यार 50-60 हजार का एक वो आया है ईयरफोन कंडक्टी सुनने वाला। हाँ तुम्हें क्या खासियत हुई भाई? भाई तो उसमें खासियत तो होगी, अब पता चला कहीं पे भी रखा है आवाज आ रही मगर सुन रहे तो नहीं। उसमें ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मन में सोच लो कि नहीं अब आवाज तेज है तो कहो धीरे कर दे, हो सकता बढ़ा दे, कहो चार्जिंग भी ना करनी पड़ती, अपने मन से चार्ज हो जाता होगा, फिर बैटरी लो हो जाती होगी, फिर चार्ज हो जाती हो सॉकेट में। पता चला हम लोग पिक्चर देखने सोच रहे हो, अपने मन से वो पिक्चर लग गई, हम लोग सुनाई दे रहे। भाई टेस्ला के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई ऑटोमेटिक काम करने वाला चीज है तो एप्पल ही बना रहा भाई। हमें तो ऐसा लग रहा है जो उसकी डिब्बी है उसमें तम्बाकू रख सकते हैं, चिनोटी टाइप की। हाँ एक साइड तमाकू डाल लो, एक साइड चूना। चूना हमें लग रहा है वो जो डिब्बी सफेदी है ना, बस उसको ऐसे खुरचो सीधे रगड़ा मार दिया। एक बात है चीज विधि हो गया, इसे थोड़ी ना होगा 60 हजार का। अब ये समझ लो आदमी को 60 हजार खरीद के रख लो, बस देखते रहो उसी में खुशी मिल रही। उसकी सबसे बड़ी खासियत पता भाई जी का है, अगर वो गलती चोरी हुई जाए उल्टे पैर लौट के तुम्हारे पास आ जाए। हाँ लोकेशन भी उसमें चलती होगी तो। ओके इधर मोबाइल में देख लिया कि नहीं भैया? बिल भी तो पक्का वाला होना चाहिए तभी तो तुम्हारे पास आएगा चल के। हाँ तो जीएसटी बिल लेना पड़ेगा, अगर बिल पक्का नहीं होगा तो कैसे आ जाएगा चल के। इसमें कहो ये भी चाहे जितने आदमी सुन ले सबको सुनाई दे सकता होगा। अब 60 हजार रुपए लगा के एक आदमी थोड़ी ना सुनेगा। अबे यार 60 हजार का है ना, ये भी हो सकता है कि भाई उसको कान में सुनना है तो कान में, अगर पार्टी आर्टी भी हो तो उसको बाहर रख दो डीजे बन जाए बन। हाँ। हमको लग रहा पिक्चर देखने जाओ सिनेमा हॉल में। हाँ। अपना वही लगा के जाओ तुम। हाँ यार ऑटोमेटिक वो आवाज तुम्हें कान में देगा।